हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। आज की इस वाली वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 रीजंस नॉट टू बाय रॉयल इनफील्ड बुलेट 350, जिसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वाली वीडियो में जो भी मैं पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, वो सारे जेन्युइन पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगा जिस वजह से आपको लगे कि ये चीज़ उसके अंदर नहीं है, ये चीज़ आपने गलत बोली। जो मैं चीज़ बताऊंगा, आई थिंक 90-95% जो मेरी ऑडियंस है उस पॉइंट से एग्री होगी। दोस्तों, अगर इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट मैं बोल देता हूँ जो आप लोगों को पसंद ना आए, सो आई एम सॉरी दोस्तों। जो भी चीज़ मैं बोलूँगा वो चीज़ जेन्युइन है एंड वो 100% सच है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 मेरी खुद की इतनी पर्सनल फेवरेट बाइक है, ये वीडियो बनानी मेरे लिए इतनी ही मुश्किल है दोस्तों जितनी उनके लिए देखनी होगी, ठीक है, जिनको भी मेरे पॉइंट्स बुरे लगेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, उसको आप एक जेन्युइन तरीके से लेना, उसको नेगेटिव वे में दोस्तों मत लेना, पॉजिटिव वे में ही उसको लेना दोस्तों। सो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है दोस्तों इस वाली वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नीचे रेड कलर का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, उसको क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज की जो कमेंट है उनको मैं शाउट आउट करना चाहूंगा। दोस्तों, आज की जो कमेंट में शाउट आउट होने वाले हैं नाम, उनका नाम है दोस्तों RS चौहान। सो थैंक यू सो मच ब्रदर, आप इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स हमारे चैनल पे करते हैं, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाई को, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका इतनी अच्छी कमेंट्स और इतना अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सबकी तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स अपने भाई को आप लोग दे रहे हैं। चलिए गाइस, करते हैं इसकी वीडियो शुरू फटाफट से। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है आज की इस वाली वीडियो में, वो होने वाला दोस्तों जो मेजर पॉइंट है सबसे ज्यादा, वो है सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के अंदर आप लोगों को सेफ्टी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है। हालांकि दोस्तों, इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को सिंगल डिस्क सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों ये बाइक अभी भी इतनी ज्यादा सेफ नहीं मानी जाती है। ये रॉयल इनफील्ड की दोस्तों अनसेफ बाइक में से भी है। दोस्तों देखिए, कोई भी बाइक लेने से पहले या कोई भी व्हीकल लेने से पहले आप सबसे पहली चीज़ उसकी सेफ्टी ही देखते हैं कि आप कितने सेफ हैं उसको चलाने में, उसको चलाने के बाद। देखिए दोस्तों, इस बाइक के अंदर आप लोगों को सेफ्टी सिर्फ एक वजह से, मैं ब्रेकिंग की वजह से नहीं कह रहा, इस बाइक की ब्रेकिंग तो आप लोगों को इतनी बढ़िया नहीं मिलती है, ये बात सच है, इतनी बढ़िया ब्रेकिंग इसकी नहीं है। काफ़ी जो इसके ओनर्स हैं, जो उसके यूज़र रिव्यू देते हैं, वो इसकी ब्रेकिंग की सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट है वो करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस बाइक के अंदर आप लोगों को कंपनी फिटेड जो टायर्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम आप लोगों को टायर मिलते हैं। इस बाइक के वेट के हिसाब से 200 किलो की बाइक है, एंड इतनी ज़्यादा हैवी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, इतनी अच्छी इतनी स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की। इसका इंजन आप लोगों को काफ़ी पावरफुल मिलता है, 350 cc का इंजन इसके अंदर आप लोगों को मिलता है। इतनी पावर और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, इतनी हैवी बिल्ड क्वालिटी के वजह से जो उसके टायर्स हैं दोस्तों, वो उसके साथ नहीं देते हैं। अगर आप एक अच्छी स्पीड पर चल रहे हैं और बारिश वगैरह आ रही है दोस्तों, आप बारिश में इसको थोड़ा सा तेज़ चला रहे हैं तो आपकी बाइक बहुत जल्दी स्लिप मार जाती है। पीछे से जो टायर है दोस्तों, पीछे वाला टायर बहुत जल्दी स्लिप मारता है उसका, सिर्फ इतना सा टायर उसके अंदर दिया जाता है दोस्तों। रियर टायर आप लोगों को 90x19 inches का इसका मिलता है, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा स्लिम आप लोगों को मिल जाता है। काफ़ी लोग दोस्तों इसको स्टॉक ही चलाते हैं, काफ़ी लोग इसको लेते साथ ही इसका टायर जो सबसे पहले चेंज जो है करवा देते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को ब्रेकिंग तो अच्छी मिलती नहीं है, इसी के साथ साथ आप लोगों को इसके टायर्स वगैरह भी जो है अच्छे नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट जो था सेफ्टी। आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों इसका वाइब्रेशंस। फ्रेंड्स, ये बाइक सिंगल चेसी पे बनी हुई है और इतनी हैवी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 200 किलो की बाइक है, इतना ज़्यादा पावरफुल इंजन इसके अंदर है। तो ये बाइक दोस्तों खाली सिंगल चेसी पे बनी हुई है, जिस वजह से इस बाइक के अंदर जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलती हैं। अगर आप इसको चलाएंगे वाइब्रेशंस, तब तो आपको फील होगी ही होगी, साथ ही साथ अगर आपकी बाइक खड़ी हुई है, आपने उसको नॉर्मल बस स्टार्ट किया हुआ है, तब भी आपकी बाइक का जो हैंडल है वो बहुत ज़्यादा हिलेगा, इंडिकेटर्स हिलेंगे, वाइब्रेशंस बहुत हैं इसके अंदर। और ये अगर आप दोस्तों इस बाइक को 100 तक भी ले जाते हैं, 100-120 तक अगर आप इसको ले जाते हैं, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है आप लोगों के लिए। बिल्कुल इतनी ज़्यादा इसके हैंडल जो वाइब्रेट करता है, बहुत ज़्यादा हिलता है इसका हैंडल। तो ये बाइक दोस्तों जो चलाने लायक है वो सिर्फ और सिर्फ 70-80-90 तक अगर आप इसको ले जा रहे हैं, तो ये मोर देन इनफ है। 90 तो खैर, आप 70-80 तक इसको आराम से चला सकते हैं। ये सेफ राइडिंग एक पॉइंट है इसका, अगर आप इसको सेफ जोन में चलाना चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों, ले जाने वाले इसको 120-130 तक भी इसको ले जाते हैं,
ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मैं कभी भी उसको रिकमेंड आप लोगों को नहीं करूँगा। ये बाइक दोस्तों भगाने वाली बाइकें नहीं होती हैं। पहली बात तो ये वाली बाइक रॉयल इनफील्ड है दोस्तों, इसको आप आराम आराम से चलाइए, इसकी फील ही रॉयल फील ही तभी आती है इसको आराम आराम से चलाने में। काफ़ी लोग इसको R15 के साथ कंपेयर करते हैं, R15 की तरह इसको भगाते हैं। देखिए दोस्तों, R15 जो है वो अलग चीज़ है और ये जो है वो अलग चीज़ है। इसको आप 80 तक ले जाइए, मैक्सिमम इससे ऊपर आप इसको मत लेके जाइए अगर आप इसको स्टॉक चलाते हैं तो। ठीक है, आपने टायर कंपनी फिटेड लगवाए हुए हैं इसमें और आपने कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करवाई हुई है अभी तक एक्स्ट्रा, तो आप इसको 80 से ऊपर मत लेके जाइए दोस्तों। तो ये तो था वाइब्रेशंस का पॉइंट दोस्तों। वाइब्रेशंस आप लोगों को बहुत मिलती हैं इस बाइक के अंदर, तो एक ये मेरे को पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है कि हाँ भाई इसमें वाइब्रेशंस है, वो सच में एक बहुत मेजर इशू है। वाइब्रेशंस का कुछ ना कुछ करना चाहिए। आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है इसका ओवर प्राइस। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2022 में जो इसके प्राइजेस हैं वो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये इस बाइक के ऊपर स्पेशली बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा और भी मॉडल्स पे प्राइजेस बढ़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राइजेस बढ़े हैं जनवरी 2022 में वो इसी वेरिएंट के ऊपर बढ़ाए गए हैं, क्योंकि ये दोस्तों रॉयल एनफील्ड का वन एंड ओनली ऐसा वेरियंट है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है। सबसे ज़्यादा यही रॉयल एनफील्ड का जो वेरियंट है दोस्तों वो सेल होता है। इससे पहले जो इसके प्राइजेस थे वो एक आप कह सकते थे कि पॉकेट फ्रेंडली पड़ते थे, 8 से 9 हज़ार रुपये इस बार बढ़ा दिए गए हैं इसके ऊपर। तो जो पहले इसका प्राइस था दोस्तों 142-143 था एक्स शोरूम प्राइस, लेकिन अब इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों वो 1,51,900 रुपीज़ जो है वो कर दिया गया है। एंड बात करते हैं इसके ऑन रोड की, तो ऑन रोड आप लोगों को 175-176 के आसपास की आप लोगों को ये दिल्ली में पड़ जाती है। अगर आप ये वाली वीडियो किसी और स्टेट से देख रहे हैं तो आपको जो स्टेट में ऑन रोड प्राइस होगा दोस्तों वो और भी शायद ज़्यादा पड़ता हो। आप मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं दोस्तों आप किस स्टेट से वाली वीडियो देख रहे हैं एंड आपके स्टेट में इसके जो ऑन रोड प्राइस है वो क्या आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो दिल्ली में जो इसका ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो 176-175 आप लोगों को मिल जाता है। तो अब जो इसका प्राइस है दोस्तों वो एक ओवर प्राइस आप लोगों को मिलता है। तो अब ये बाइक दोस्तों मेरे को ओवर प्राइस जो है लगती है, जितने कम इसके अंदर फीचर्स हैं उतनी ज़्यादा इसकी कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। बाइक बहुत अच्छी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लुक से। इसका टैंक अनबीटेबल है, मैं सच बताऊं दोस्तों मैं खुद रॉयल इनफील्ड यूज़ करता हूं, मैं रॉयल इनफील्ड का एक हार्डकोर फैन हूं एंड मैं बहुत टाइम से रॉयल इनफील्ड जो है यूज़ कर रहा हूं। इस टाइम जो फिलहाल मैं यूज़ करता हूं बुलेट 350ES यूज़ कर रहा हूं मैं, लेकिन दोस्तों आज भी जो मेरा दिल है वो बुलेट 350 पे ही अटका हुआ है। जो इसका टैंक है दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त मेरे को मिलता है। ठीक है, तो इसकी जो बुराइयाँ हैं, जो इसकी कमियाँ मैं आज जो कर रहा हूँ इस वाली वीडियो में, ये दोस्तों एक जेन्युइन चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इस बाइक में आप लोगों को अच्छाइयाँ भी मिलती हैं एंड बुराइयाँ भी आप लोगों को मिलती हैं। तो जब हम कोई चीज़ लेते हैं दोस्तों तो हम अच्छाइयाँ भी देखते हैं एंड बुराइयाँ भी देखते हैं उसकी। तो अच्छाइयाँ तो मैंने आप लोगों को आज से 2 से 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी, आई बटन में उसका यह लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, इसके जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे मैंने बताए थे दोस्तों, 6-7 पॉइंट मैंने इसमें बताए थे उस वाली वीडियो में। आज इसमें वाली वीडियो में आप लोगों को सिर्फ 5 पॉइंट में बता रहा हूँ जो कि मुझे जेन्युइन लगते हैं इस वाली बाइक के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है इसकी माइलेज। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत मेजर इशू मेरे को लगता है इस वाली बाइक के अंदर। माइलेज जो दोस्तों ये बहुत कम आप लोगों को देती है एंड दोस्तों साथ ही साथ अगर आप इसको स्टॉक बाइक भी चलाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मॉडिफिकेशन इसमें कराएंगे, तो अगर आप इसको स्टॉक बाइक भी चलाते हैं दोस्तों तब भी आप लोग एक बाइक 30 तक की माइलेज आप लोगों को देती है या 30 तक की भी नहीं देती है किसी किसी को, तो 25 से 28 29 ऐसी माइलेज भी ये देती है एंड किसी किसी को दोस्तों देने में, मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी ऐसी देती है, किसी किसी की देने में 35-40 तक भी दे देती है। लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर जो मैंने किसी से सुने हैं वो यही बोलते हैं कि 25 से 30-32 तक की माइलेज आप लोगों को ये देती है। तो मेरे को ये भी लगता है कि एक रीज़न है इसकी माइलेज आप लोगों को थोड़ी सी कम मिलती है। देखिए दोस्तों, वैसे जो ये बाइक लेता है वो माइलेज वगैरह इतनी नहीं देखता है, लेकिन अब फिलहाल दोस्तों जो सिचुएशन चल रही है, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे बढ़े जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस इस टाइम पेट्रोल के चल रहे हैं दोस्तों, तो ये भी मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट इसका लगता है दोस्तों इसकी माइलेज। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें कम्फर्ट। दोस्तों इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो कम्फर्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को नहीं मिलता है जितना बढ़िया आप लोगों को क्लासिक या मेटियोर में मिलता है। इस बाइक के अंदर दोस्तों आप लोगों को जो सीट है वो एक सही ठीक ठाक मिलती है, कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा बेकार सीट नहीं मिलती है, थोड़ी सी हार्ड साइड में जो इसकी सीट रहती है एज़ कम्पेयर टू कुशन वाली साइड, कुशनिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, हार्ड सीट है। ठीक है, एंड बात करें लॉन्ग राइड्स वगैरह की तो आप इसमें लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपकी जो कमर है वो थोड़ी देर बाद दर्द होने लग जाती है, हिप्स वगैरह में आपके दर्द होने लग जाता है। देखिए दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस बाइक को काफ़ी चलाया दोस्तों,
काफ़ी लोग दोस्तों इसमें भी कहते हैं कि हमारी सीट नहीं करती, हम अच्छे से चला लेते हैं, हम 500-700 किलोमीटर चला के आ चुके हैं, हमारे को तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों मेरे साथ ही हुआ, तो ये मैं अपना पर्सनल अपना ओपिनियन आप लोगों को बता रहा हूँ, अपना मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप भी मेरे को अपना अपना पॉइंट्स बता सकते हैं, आप मेरे इन किन किन पॉइंट से आप लोग सेटिस्फाई हैं, एंड आपको क्या लगता है कि ये पॉइंट जो मैंने बताई है आप लोगों को, आपकी नज़र में क्या ये पॉइंट्स सही हैं, ठीक है। तो आप ये मेरे को बेझिझक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग जरूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ना सिर्फ दोस्तों इसमें आप लोगों को सीट इतनी बढ़िया मिलती है, इसी के साथ साथ आप लोगों को इसमें वाइब्रेशंस प्लस सस्पेंशन इतने बढ़िया आप लोगों को इसमें नहीं मिलते हैं। रियर इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन आप लोगों को मिलते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल से आप लोगों को मिलते हैं, 5 वेज एडजस्टेबल आप लोगों को वो मिलते हैं। फ्रंट में आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़े से हार्ड साइड में आप लोगों को मिलते हैं, थोड़े से स्टिफ सस्पेंशन होते हैं। जो फ्रंट सस्पेंशन होते हैं टेलीस्कोपिक, वो काफ़ी बढ़िया आप लोगों को मिल जाते हैं इसके सस्पेंशन। तो ये लास्ट पॉइंट था दोस्तों, मेरे को लगता है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत कम्फर्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगा, जो लुक है इन सब चीज़ों को फेल कर देती है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो उसको खरीदता है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी लुक देखता है। सबको पता है दोस्तों कि इस बाइक में ये कमियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग इसको आराम से खरीदते हैं बेझिझक होके, क्योंकि देखिए दोस्तों ये रॉयल इनफील्ड का एक बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड ये 1932 से चलता आ रहा है। जो चेंजेस हुए थे, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, इंजन चेंज हुआ है, टैंक का जो लोगो है वो हल्का फुल्का चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आज भी ये एज इट इज़ बाइक आप लोगों को मिलती है, एंड ये बाइक सच में अनबीटेबल एक लेजेंड बाइक है दोस्तों, एंड ये बाइक हमेशा लेजेंड रहेगी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपको पता दोस्तों क्या करना है, इस वाली वीडियो को एक लाइक करना है, एंड चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।